कहते हैं जिसकी मौत जहां लिखी होती है वो वहां पहुंच ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली में लाजपत नगर की रेड लाइट पर। रेड लाइट से कुछ दूर पहले से एक ट्रोला आ रहा था, सब कुछ सामान्य था। रेड लाइट पर पहुंचते ही एक हुंडा सिटी कार अचानक से ट्रोला के सामने आ गई। ट्रोला के ड्राइवर ने कार को बचाने के लिए एक तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में ट्रोला पर लदा भारी भरकम कंटेनर उसी होंडा सिटी कार पर आ गिरा। इस सड़क हादसे में कार से भी ज्यादा लंबे कंटेनर के गिरते ही कार उसके नीचे दब गई। कार में दो लोग सवार थे और दोनों की कार के अंदर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार की हालत बता रही थी कि कंटेनर कितना भारी था। वैसे तो कोई भी आम कार सड़क से 4 से 5 फुट तक ऊंची होती है, लेकिन कंटेनर गिरने के बाद होंडा सिटी कार की छत सड़क से महज 1 फुट ही ऊंची बची। कार बुरी तरह से पिचक गई। कंटेनर में भारी भरकम सामान बताया जा रहा है। कार को देखने के बाद महसूस हो जाता है कि उसमें बैठे लोगों का क्या हाल हुआ होगा। कार का इंजन तक पिचक कर टूट टूट फूट गया। पुलिस के अनुसार सड़क हादसे में मरने वालों के नाम अंकित मल्होत्रा और रंजन कालरा बताए जा रहे हैं। दोनों इवेंट कंपनी चलाते थे, काम के सिलसिले में ही कोलकाता जाने के लिए एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। वहीं नए प्रावधानों के तहत दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में अब सड़क हादसे में घायल शख्स को लौटा नहीं सकते हैं। साथ ही निजी अस्पतालों को मरीजों का इलाज कैशलेस भी करना होगा। यह योजना सिर्फ और सिर्फ सड़क हादसे में पीड़ितों के लिए है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को लॉन्च किया था। इस योजना को लॉन्च करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार हर दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाएगी। दिल्ली के हर नागरिक की जान हमारे लिए कीमती है। सड़क हादसे में शिकार हर शख्स का इलाज का पूरा खर्च भी दिल्ली सरकार उठाएगी। घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स फरिश्ते कहलाएंगे। लाजपत नगर मेन मार्केट रेड लाइट के पास फ्लाईओवर के नीचे डंपर मोड़ते समय गाड़ी होंडा सिटी देखिए आप बिल्कुल पिचक चुकी है। लाजपत नगर दिल्ली लाजपत नगर मेन मार्केट रेड लाइट के पास फ्लाईओवर के नीचे डंपर मोड़ते समय गाड़ी होंडा सिटी देखिए आप बिल्कुल पिचक चुकी है। लाजपत नगर दिल्ली। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।